थाने से है सर? ये हमारा वहुवा थाना है, सादिक हमारे ये SHO हैं, जिसके अंदर इनको जो है ये वेरी आई मस्ट से कि बड़ा डेयरिंग SHO है। इससे पहले भी जितने हमारे जो अटैक हमारी पोस्टों के ऊपर आए हैं, इन्होंने खुद लीड किया, यहाँ पे खुद मौजूद होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन होती है खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये एक SHO नहीं, उसका तमाम टीम वर्क होती है, उस टीम को कमांड DPO साहब कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे ऐसे बंदे पोस्ट किए, और उनको मोटिवेट करना, जितने विजिट इनके इन पोस्टों के ऊपर और इन थानों के ऊपर हैं, आप सारे उसके विटनेस हैं कि हर हफ्ते में हर शुरू में तो बेतहाज, और इनको मोटिवेट करना और इनको स्ट्रेंथन करना पोस्टों को, ये सारा क्रेडिट जो है DPO साहब को जाता है, और उसको तमाम इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना और फिर अपनी टीमों को मोटिवेट करके इनको रिटेलिएट करना। पहले भी ये मैं आपको वही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमारे जब मैं आया था, मेरे आने से पहले हमारी झंगी पोस्ट के ऊपर ये अटैक हुआ था और उसके ऊपर हमारी शहादतें हुई थी। लेकिन जब हम आए थे तो हमें उस वक्त एक ऑप्शन दी गई थी कि आप शायद रिट्रीट कर दें और आप ही पीछे की साइड पर आ जाए, तो हम पुलिस ने और मैंने नेचुरली और DPO साहब ने क्या था कि हम इसको मेंटेन रखेंगे और अपने को स्ट्रेंथन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पोस्टें बहुत स्ट्रेंथन है उन्हीं पोस्टों से और इन्हीं पुलिस के थ्रू, इन तमाम जो कोशिशों में हम उनको दहशतगर्दी की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हैं। थैंक यू, आप सबको बहुत मुबारक हो। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के तआवुन की, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का तआवुन हासिल रहता है, और ये मुझे बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हैं कि इसके अंदर यहाँ की आवाम भी इस चीज़ से बेदार है, उनका शऊर है, और जहाँ वो इस तरह की चीज़ भेज देखते हैं उसको इन्फॉर्म भी करते हैं। ये स्पेशली जो हमारी पोस्टें आ गई हैं, बिकॉज वो बड़ी आइसोलेटेड पोस्टें हैं, उसमें लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।